एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी कहे जाने वाले आज़ादपुर मंडी की अगर हम बात करें तो ये मंडी एशिया में सबसे बड़ी है। लेकिन दिल्ली के आज़ादपुर स्थित इस मंडी के अंदर की व्यवस्था देखें तो व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। एपीएमसी ने जो लोगों के लिए शौचालय बनाए हैं उनकी दुर्दशा देखकर लोगों का अंदर जाने का मन ही नहीं होता, क्योंकि ये पूरी तरह से अंदर से टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से लोग रात के अंधेरे में यहाँ बैठकर शराब और नशा करते हैं। और आज़ादपुर मंडी की व्यवस्था की देखभाल एपीएमसी के हाथों में है। एपीएमसी के अध्यक्ष आदिल खान हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, लेकिन आदिल खान आजकल एपीएमसी की ओर ध्यान न देकर दूसरे राज्यों के चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रचार में व्यस्त हैं। आजकल वह एपीएमसी के दफ्तर की बजाय या तो टीवी में डिबेट करते दिखाई देते हैं या फिर दूसरे राज्यों में चुनावी दौरे करते हुए और आम आदमी पार्टी का प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एपीएमसी के अंदर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उसको लेकर वह बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। हम खड़े हैं एशिया की सबसे बड़ी मंडी आज़ादपुर दिल्ली के अंदर, और आप देख सकते हैं खाने के दांत। अब हम आपको दिखाएंगे इसके अंदर का नज़ारा है, कि इसकी सुंदरता के पीछे जो बहुत बड़ा जो नज़ारा है, हम इसको दिखाएंगे कि यहाँ की जो हालत है, यहाँ की हालत ऐसी भी बड़ी है, बिल्कुल खराब है, टूटे टूटे जगह है यहाँ पर सारी की सारी। और यहाँ के जो व्यवस्था है सारी की सारी एपीएमसी के अंतर्गत काम कर रही है। ये शौचालय बनाया हुआ है एपीएमसी के अंतर्गत बना हुआ है। इसके जो चेयरमैन हैं आदिल खान, उस टाइम कितना सुंदर ये बोर्ड दिख रहा है, वैसे ही वो आजकल टीवी पर चमक रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता बनकर, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बनकर। उनको इस वक्त जो मंडी के ऊपर ध्यान देने वाली चीज़ है उनका ध्यान नहीं है, लेकिन वो सिर्फ दे रहे हैं तो टीवी के ऊपर और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बनकर। अब देखने वाली बात यह है कि इनकी जो दुर्दशा है वो दुर्दशा कैसे हुई है, तो ये इसके ऊपर कोई ध्यान देने वाला है या नहीं है। हम अभी आपको और जगह दिखाएंगे, अंदर जो मंडी से शौचालय और भी दिखाएंगे, आप देखते रहिए हमारे साथ।